नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसआई के सर्वेक्षण के आदेश पर लगाई रोक। कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट की प्रोसीडिंग पर भी लगाई रोक। हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को फैसला रखा। रिजर्व यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दी थी चुनौती। विवादित जमीन का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने को दी थी चुनौती। प्रियंका गांधी का यूपी दौरा। लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी। नेताओं और पदाधिकारियों के साथ मिशन 2022 को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। प्रियंका गांधी कल नेताओं और पदाधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। चुनाव को लेकर बनाएंगे अहम रणनीति। हर गांव कांग्रेस अभियान की करेंगी समीक्षा। दिवंगत राजनेता कल्याण सिंह का अस्थि कलश आज अयोध्या पहुंचाया। इसके बाद परिजनों ने सरयू नदी के बीच धारा में अस्थियों को विसर्जित किया। उनकी अस्थियों को उनके बेटे राजवीर सिंह ने विसर्जित किया। अस्थियों को सरयू में विसर्जित करने के बाद राजवीर सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, बापूजी की इच्छा पूरी हुई। रामपुर में सांसद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में तहसीलदार सदर के नेतृत्व में एक टीम पहुंची है। इस टीम ने जमीनों की नाप की। बीजेपी दफ्तर पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक खत्म। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, पार्टी पदाधिकारी जिलों के प्रभारी रहे मौजूद। आगामी कार्यक्रम की तैयारियों पर की गई समीक्षा। अगले 45 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम की गई समीक्षा। साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती। सीएम योगी ने प्रतिमा का किया अनावरण। भारतेंदु नाट्य अकादमी में हुआ अनावरण। सीएम योगी ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, शताब्दी वर्ष पूर्व भारतेंदु ने राष्ट्रवाद को महसूस किया। हिंदी भाषा में उनका प्रभाव पैदा किया। मेरठ पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जिला योजना समिति की बैठक की। बैठक के बाद बीजेपी नेताओं से की मुलाकात। मेरठ के विकास भवन में हुई जिला योजना समिति की बैठक में 387 करोड़ 63 लाख के प्रस्तावों पर लगी मुहर। इसके साथ ही डेंगू से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। वाराणसी पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से हो रहे कार्यक्रम में शिरकत की। वाराणसी पहुंचे मनोज तिवारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। मनोज तिवारी ने विपक्षी दलों पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। कहा, चुनाव आते ही विपक्ष को दिखने लगा राम मंदिर का रास्ता। बीजेपी सरकार सभी वर्गों का विकास कर रही है। उन्नाव में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे मंत्री महेंद्र सिंह। सम्मेलन को किया संबोधित। समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ किया संवाद। अलीगढ़ में सीएम योगी ने रद्द किया राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का मॉडल। सीएम ने कहा, बनाया ऐतिहासिक इमारत। 101 करोड़ की लागत से बनेगी राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी। 14 सितंबर को पीएम मोदी रखेंगे यूनिवर्सिटी की आधारशिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान। प्रदेश पदाधिकारियों के बाद जिला प्रभारियों की भी होगी बैठक। योजनाएं अभियान की समीक्षा और क्रियान्वयन पर होगी चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, संगठन की परंपरा है, नियमित बैठक हर महीने होती है। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर होगी चर्चा। सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर कार्यक्रम पर भी होगी चर्चा। लखनऊ में एलडीए उपाध्यक्ष करेंगे बच्चियों को सम्मानित। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को प्रोत्साहन। प्रोत्साहन के लिए आयोजित की गई प्रतियोगिता। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाली महिला का होगा सम्मान। बलरामपुर में सपा ने समाजवादी बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया। सपा नेता डॉक्टर भानु त्रिपाठी की अगुवाई में आयोजित हुए सम्मेलन में पूर्व मंत्री एसपी यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर विवादित बयान दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट। कोरोना महामारी के बीच बुखार का कहर। राजसमयी बुखार का प्रकोप तेजी से फैल रहा। सरकारी अस्पतालों में नहीं है उचित व्यवस्था। गाजियाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। वीके सिंह ने किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। जिला अस्पताल का भी लिया जायजा। डेंगू से बचाव के लिए दिया दिशा निर्देश। यूपी विधानसभा की वेबसाइट हैक। हैकरों ने वेबसाइट को किया हैक। वेबसाइट हैक कर किया आपत्तिजनक पोस्ट। यूपी डेस्क ने साइबर थाने में FIR कराई दर्ज। साइबर थाने की टीम हैकरों की तलाश में जुटी। संजय कुमार का हुआ भव्य स्वागत। खैराबाड़ टूल प्लाजा पे कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। लखीमपुर खीरी जाते समय सीतापुर में रुके प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी सरकार पे जमकर साधा निशाना। बलिया में शेख आजाद अली संजय भाई एसपी में हुए शामिल। एसपी का दामन थामते ही बीएसपी पर साधा निशाना। मायावती वाली बीएसपी ही प्राइवेट लिमिटेड पार्टी। फिरोजाबाद में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 55 हो चुकी है।
वहीं मेडिकल कॉलेज में 417 बच्चे भर्ती हैं। वयस्क वार्ड में भर्ती पुरुष और महिलाओं की संख्या 100 को पार कर गई है। पश्चिमी यूपी में फैले डेंगू और वायरल फीवर के बाद गोरखपुर जिले में भी वायरल फीवर के मरीज मिल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की माने तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा है कि जिले में वायरल फीवर के मरीज मिले हैं, लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं है। इस समय डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज कराने की जरूरत है। कासगंज में डेंगू का और बुखार का कहर जारी है। डेंगू वायरल बुखार से 6 लोगों की जान चली गई है। डेंगू और बुखार से मरने वालों की संख्या 11 हो गई। लखनऊ में डेंगू का प्रकोप लगातार चल रहा है। 2 बच्चों समेत 11 डेंगू के नए केस सामने आए हैं। लोकबंधु अस्पताल में 2 डेंगू के पीड़ित भर्ती किए गए। कानपुर में भी वायरल फीवर कहर ढा रहा है। कानपुर में वायरल फीवर से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ पहुंच रही है। कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल उर्सला के बाहर धरना प्रदर्शन करके सरकार को घेरने का काम किया। धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ता मच्छरदानी ओढ़कर बैठे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल में लगी पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग एक बार फिर से उठी है। बीजेपी के मंडल प्रवक्ता शिवांग तिवारी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र खून से लिखकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को यह सौंपा गया। बीजेपी के युवा कार्यकर्ता ने जिन्ना की तस्वीर को हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन दिया है। अलीगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय जाकर मजिस्ट्रेट के द्वारा पीएम के नाम यह ज्ञापन सौंपा। लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश ने डेंगू और वायरल फीवर को लेकर कई इलाकों का दौरा किया है। डीएम ने आम लोगों से मुलाकात करके उनको जागरूक किया। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम को भी सख्त हिदायत दी है। एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग के निर्देश दिए हैं। खदरा फैजुल्लागंज और त्रिवेणी नगर के इलाकों का दौरा किया। शाहजहांपुर में ट्रेन से ले जाए जा रहे 16 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। बच्चों को पश्चिम बंगाल से पंजाब के भटिंडा ले जाया जा रहा था। बलिया में एक वीडियो तेजी से वायरल है। इस वीडियो में कुछ छात्राएं नाली और घास साफ करती हुई नजर आ रही हैं। इस मामले में खुद प्रिंसिपल ने माना है कि उन्होंने ही छात्राओं को ऐसा करने के लिए कहा था। अमरोहा में चलती कार आग का गोला बन गई। कार में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। कार सवार ने अपनी जान कूद कर बचाई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग से कार जलकर खाक हो गई। नोएडा में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी के 8 गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है। फ्लैट मालिक के साथ की थी पिटाई। हमीरपुर में पटाखे के गोदाम में धमाका हो गया। धमाके के बाद पूरा गोदाम जमींदोज हो गया। विस्फोट की चपेट में आने से 2 मजदूर घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्रेटर नोएडा के बिस्रा कोतवाली क्षेत्र में खुलेआम अनऑथराइज दुकानों से ब्रांडेड कंपनी की बोरियों में नकली सीमेंट भरकर लोगों को बेचकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिजनौर मुरादाबाद स्टेट हाईवे पर बंदरों ने आतंक मचा रखा है। आए दिन सैकड़ों की तादाद में बंदर हाईवे पर पहुंचकर उत्पात मचाते हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक को भी बाधित कर देते हैं। इस मामले में वन विभाग को कई बार शिकायत के बावजूद अब तक बंदरों को ना तो पकड़ा गया है ना ही हाईवे से दूर करने का कोई उपाय किया गया। कौशाम्बी जिले के सरकारी विद्यालय में तैनात महिला क्लर्क एक आशिक मिजाज शिक्षक की हरकतों से परेशान है। महिला क्लर्क ने आरोपी शिक्षक की विभागीय अधिकारियों से शिकायत की है। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को भी शिकायती पत्र दिया है। कौशाम्बी के DIOS ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षक को हटाते हुए जांच शुरू कर दी। बहराइच में कजरी तीज पर मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी है। सिद्धनाथ मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी। मंदिर में भक्तों ने जलाभिषेक किया। कानपुर देहात में अकबरपुर CHC में तैनात डॉक्टर का ड्राइवर बुर्का पहनकर अस्पताल की महिला टॉयलेट में जा घुसा। टॉयलेट में मौजूद एक महिला ने उसको पहचान लिया और फिर हंगामा किया। आगरा में विसहरी जाट का स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो गया। स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी से नदारत रहते हैं डॉक्टर। ग्रामीणों के मुताबिक सालों से नहीं कोई डॉक्टर दिखा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी दुर्दशा पर बहा रहा है आंसू। लखनऊ में LDA ने अवैध कब्जों पर चलाया हथौड़ा। पुराना हनुमान मंदिर और डंडैया इलाके में की गई कार्रवाई। JCB की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई। अलीगढ़ में एक ट्रक ने टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी। दर्दनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 4 मजदूर इसमें घायल हो गए।
शामली में पूर्व प्रधान की हर्ष फायरिंग वायरल हो रही है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। वीडियो के आधार पर पुलिस अब जांच शुरू कर रही है। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से चोरी की 7 बाइक बरामद की गई है। कोतवाली डिबाई पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। गोंडा में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस को बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 15 दिनों के अंदर गैंगस्टर एक्ट में 21 केस दर्ज हुए हैं। 79 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में सपा के पूर्व विधायक अनूप सांडा के पेट्रोल पंप पर एक महिला ने जमकर हंगामा किया। हंगामा करने वाली महिला समरीन खान ने खुद को पूर्व विधायक अनूप सांडा की पत्नी बताया। हंगामे के दौरान पंप पर मौजूद महिलाओं से समरीन की नोकझोंक भी हुई। यह बहस इतनी बढ़ गई कि महिलाओं समरीन के बीच में हाथापाई तक शुरू हो गई। अलीगढ़ के भारतीय मजदूर संघ लोगों को देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बुलंदशहर में जर्जर सड़कों को लेकर व्यापारी नाराज हैं। व्यापारियों ने सड़क पर जाम लगाया है। व्यापारियों ने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया है। जर्जर सड़क की मरम्मत और डिवाइडर हटाने की मांग की। गाजियाबाद के लोनी थाना के टोनिका सिटी के पचायरा गांव में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। बाइक और कार में आए करीबन आधा दर्जन बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को 6 से ज्यादा गोलियां मारी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुल्तानपुर में चर्चित महिला समरीन के साथ मारपीट का मामला। पेट्रोल पंप पर मौजूद महिलाओं ने समरीन को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पहले भी विवादों में रही है समरीन। कानपुर देहात के मंशापूर्वा गांव में दो पक्षों के बीच में जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडों से मारपीट हुई है। दोनों पक्ष के कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। हरदोई में ओमान में नौकरी करने गया एक युवक फंस गया है। महिला ने पति के स्वदेश वापसी के गुहार लगाई है। सोशल मीडिया पर महिला ने वीडियो वायरल किया है। कंपनी मालिक ने पासपोर्ट नहीं दिया। एम्बेसी से संपर्क कर युवक को लाने का प्रयास से शुरू हो गया है। कछौना कस्बे का रहने वाला है चंद्रशेखर सोनी। गाजियाबाद डीएम का आदेश, सभी मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाना होगा अनिवार्य। आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। 1 महीने का दिया गया सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को समय। मेरठ में शरद गोस्वामी पर पुलिस का चला हंटर। शरद गोस्वामी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। निर्माणाधीन होटल प्लॉट वाहन जब्त। गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में पैसे मांगने पर मिली मार। पीजी संचालक की दबंगई। गरीब मजदूर को बेरहमी से पीटा। मजदूर ने मांगे थे अपनी मजदूरी के पैसे। गोंडा में सरेरा लेडी डॉन की गुंडई आई सामने। महिला ने ट्रक चालक को उतार कर लात घूंसों से पीटा। चालक की पिटाई का वीडियो वायरल। इटावा में तालाब में शव मिलने से मचा हड़कंप। महिला और दो बच्चों के शव तालाब से हुए बरामद। हत्या करके शव को फेंके जाने की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस। नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे का दूसरा दिन। मुख्यमंत्री ने नैना देवी मंदिर में किया दर्शन। खराब मौसम के चलते नैनीताल नहीं आया सीएम का हेलीकॉप्टर। सरकार और राजभवन के रस्साकशी के बीच बेबी रानी मौर्य की विदाई। सरकार के कई निर्णयों को मंजूरी नहीं दिए जाने से चल रही थी तनातनी। बुधवार को बेबी रानी ने राज्यपाल के पद से दिया था इस्तीफा। 15 सितंबर को होगी धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक। कई जरूरी प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों और किसानों को लेकर हो सकते हैं बड़े फैसले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल रुड़की के नेहरू स्टेडियम में जनसभा को करेंगे संबोधित। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां की तेज। सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने नेहरू स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा, बीजेपी जिलाधिकारी, जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान समेत बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मसूरी में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी सिर्फ घोषणाएं करते हैं और घोषणाओं को पूरी करने की बात हवा हवाई से लगती है। पौड़ी में जन्मे सैनिक मनदीप सिंह नेगी वीरगति को हुए प्राप्त। मनदीप के शहीद होने पर उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री और श्रीनगर के क्षेत्रीय विधायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दुख जताया।
उत्तरकाशी में पर्यटन से जुड़े छोटे बड़े व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया है। व्यवसायियों की मांग है कि चारधाम यात्रा को अब जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मसूरी नगर पालिका परिषद कर्मचारी संघ ने 8 सूत्री मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर 2022 के चुनावों में सबक सिखाएंगे। उत्तरकाशी में 18 अगस्त को पर्यटकों के लिए पुनर्निर्माण के बाद खुली गरतांग गली पर अब लोगों का कब्जा हो गया है। कुछ लोग लकड़ी की रेलिंग पर अपना नाम लिखकर गली को बंद कर रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ओलंपिक खिलाड़ियों की तरह ही पैरा एथलीट से भी मिले पीएम मोदी। खिलाड़ियों से की मुलाकात। पैरालंपिक में भारत ने 5 गोल्ड समेत कुल 19 मेडल जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीट्स के साथ की है मुलाकात। इस दौरान खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से पैरालंपिक के अनुभव को साझा किया। राजस्थान के बाड़मेर में बने नेशनल हाईवे पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद वायुसेना के लड़ाकू विमान सीधे हाईवे पर उतरे। पाक सीमा के पास आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, अब सड़क पर विमान भी उतर रहे हैं। तालिबान पर पाकिस्तान का कंट्रोल। कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब को बनाया रक्षा मंत्री। तालिबान के खिलाफ पिछड़ा पाकिस्तान। शिक्षकों के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर लगाया प्रतिबंध। महिलाओं के लिए भी फरमान जारी। पाकिस्तान के शिक्षा विभाग का कहना है कि हमने रिसर्च के दौरान यह पाया है कि पहनावे का असर लोगों के विचार और उससे कहीं ज्यादा होता है जितना समझ आता है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं बेपटरी हो चुकी हैं। दिन भर बजते हैं सायरन। इलाज में देरी से हो रही हैं मौतें। सलमान खान की फिल्म अंतिम का गाना विघ्नहर्ता आज होगा रिलीज। सलमान ने खुद सोशल मीडिया पर गाने का पहला टीजर वीडियो शेयर करके फैंस को जानकारी दी है। उन्होंने टीजर के कैप्शन में लिखा, बप्पा रहे हैं। विघ्नहर्ता सॉन्ग आज होगा रिलीज। गाने के टीजर में सलमान एक सिख पुलिस वाले के रूप में और आयुष गणपति चतुर्थी के गाने के धुन पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन कपूर ने 2,43,00,000 रुपए में खरीदी है मेबैक GLS 600 SUV कार। कार की फोटोज सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। तायरा कश्यप की फिल्म शर्मा जी की बेटी में दिव्या दत्ता ने माधुरी दीक्षित को किया रिप्लेस। रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी और मेकर्स के बीच हो गए थे मतभेद। इसके बाद माधुरी ने इस फिल्म को करने से कर दिया था इनकार। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का बर्थडे आज। 56 के हुए खिलाड़ी कुमार। अक्षय के जन्मदिन के एक दिन पहले 8 सितंबर को उनकी मां का हो गया था निधन। ऐसे में अक्षय कुमार इस बार अपना जन्मदिन नहीं करेंगे सेलिब्रेट। हिंदी मीडियम फेम सबा कमर के खिलाफ पाकिस्तानी अदालत ने जारी किया गिरफ्तारी का वारंट। मस्जिद पर डांस वीडियो शूट करने का मामला 6 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिला झटका। उनके खिलाफ जावेद अख्तर ने मानहानि का किया था केस दर्ज। इस मामले को रद्द करने की याचिका कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में की थी दाखिल। इसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया खारिज। केस रद्द करने वाली याचिका कोर्ट ने की खारिज। और चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना।